फाइनली आपकी SST की जो क्लास है वो आपकी लग गई है और बहुत सारे विद्यार्थी काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहे थे। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सेशन के अंत तक बने रहेंगे और चाहे आपका 2016 में प्रश्न पूछा गया हो, 2017 में पूछा गया हो, 18 में पूछा गया हो, इवन 20 तक के जो प्रश्न हैं वो हमने इस क्लास में कवर करने की कोशिश की है। तो होप सो आप लोग अगर SST की क्लास करना चाहते हैं तो अंत तक इस क्लास को ज्वाइन करेंगे। अगर मेरी आवाज़ और आपको वीडियो क्वालिटी एकदम ओके दिख रही है तो ज़रा कमेंट बॉक्स में हमें बताएं, फिर हम इसके प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। अगर सब कुछ ठीक है तो बताओ ज़रा, फिर स्टार्ट करते हैं इसके क्वेश्चंस। ठीक है, स्टार्ट कर दें स्पीड से। चलो क्वेश्चन नंबर पहला देखो, तराइन का जो प्रथम युद्ध है वो कब हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, 1191 में। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखो, गुलाम वंश का प्रथम सुल्तान कौन था? इल्तुतमिश, गयासुद्दीन बलबन, कुतुबुद्दीन ऐबक या फिर रजिया सुल्तान? तो दो का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, कुतुबुद्दीन ऐबक। प्रश्न संख्या 3, महमूद गजनबी ने सोमनाथ के मंदिर पर कब आक्रमण किया? यदि किसी भी प्रश्न में आपको अगर कोई डाउट लगता है तो आप उस क्वेश्चन नंबर को नोट कर लेंगे और एट लास्ट क्लास के अंत में हम लोग उस पर डिस्कशन कर लेंगे। 3 का राइट आंसर हो जाएगा आपका 1025। इसका जो एग्जैक्ट आंसर है 1025 है। अगर आपको प्रश्न में इस प्रकार दिखता है तो आप इसका राइट आंसर ऑप्शन डी को टिक करेंगे। अगला देखो, वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस की मात्रा है? प्रश्न संख्या 4, तो 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन। और कितनी मात्रा है? 78%। अगर हम लोग ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन कितनी होगी? सर वॉइस क्लियर नहीं है क्या भैया, आवाज में क्या दिक्कत है? सर वॉइस क्लियर नहीं है क्या भैया, आवाज में क्या दिक्कत है? देखो आवाज में सर कोई वॉइस दिक्कत है? क्लियर नहीं है क्या भैया, आवाज में क्या दिक्कत है? देखो आवाज सर वॉइस क्लियर नहीं है क्या भैया, आवाज में क्या दिक्कत है? बोलो आवाज में कोई दिक्कत है क्या? प्रश्न संख्या 6, अजमेर में सूफी संत की दरगाह। ओके, अगला देखो क्वेश्चन नंबर 6, गुड। 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 6 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला देखो प्रश्न संख्या 7, विश्व की सबसे लंबी नदी। तो विश्व की अगर सबसे लंबी नदी की बात करेंगे तो कौन सी है? नील नदी। कौन सी है? नील नदी। देखो बीच में अगर थोड़ा बहुत इंटरनेट दिक्कत करता है तो आप लोग इंतजार कर लिया करो, 1-1 मिनट में अपना सही हो जाता है ना। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 8, सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण कौन सा है? अलका बाद में हम लोग उस पर बात कर रहे होंगे। प्रश्न संख्या 8, 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 9, बोलो क्वेश्चन नंबर 9,
सबसे बड़ी नदी है वो, लंबी ही है। नौ, नौ का बताओ जरा। नौ का क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। दस देखो जरा, बैंक ड्राफ्ट क्या है? नहीं बबली, डी होगा, 10। बहुत सुंदर। 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 10 का बताओ भाई, बैंक ड्राफ्ट क्या है? क्या हो जाएगा? परिवर्तनशील पत्र मुद्रा है ना। अगला देखो, चेक हो जाएगा आपका साख मुद्रा। 11 आंसर बताओ। बड़ी नदी है वो, ग्यारह का राइट आंसर क्या हो जाएगा? शेरशाह सूरी। अगला देखो 12, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 12 है, तो किसको कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। अगला देखो 13, आज टारगेट है हमारा 100+ प्रश्नों का। कितने प्रश्न? कम से कम 100 प्रश्न। अगला देखो 13, निम्नलिखित में से कौन रूपांतरित चट्टानों का उदाहरण नहीं है? राधे राधे। 13 क्वेश्चन नंबर 13 है, दिख नहीं रहा है। 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जय सिया राम। 13 का हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ग्रेनाइट। अगला देखो 14, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से ले गया। चौदह कहाँ ले गया? दौलताबाद, बोलते हैं ना दिल्ली से दौलताबाद। अगला देखो 15 है, पेन को पता नहीं क्या हो गया है, टिक नहीं होता है। अश्व अक्षांश से संबंधित है। प्रश्न संख्या 15 है, का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 16 देखो जरा, गल्फ स्ट्रीम है, क्या है? ये पेन मासूम सर वाला पेन चलता नहीं है, मुझे अपना पेन निकालना पड़ेगा। 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 16 में हो जाएगा आपका महासागरीय धारा है। क्या है? महासागरीय धारा है। अगला देखो 17, अढ़ाई दिन का झोपड़ा का निर्माण किसने करवाया था? प्रश्न संख्या 17 है, तो किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। किसने करवाया था भैया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। 18 देखो जरा, दास वंश कहा जाता है, तो गुलाम वंश को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? गुलाम वंश को कहा जाता है। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन हो जाएगा? कैकुबाद। 20 देखो जरा, गुलरुखी उपनाम से कविताएं कौन सा शासक लिखा करता था? 20 गुलरुखी। बीस का क्या हो जाएगा? बहुत बढ़िया, दिशा सिंह। कौन लिखा करता था? लोधी। कौन लिखा था, लिखा करता था? सिकंदर लोधी। 21 देखो, ईश्वर की भक्ति उपासना में व्यक्तिगत प्रेम भावना पर बल देने वाले मन संत क्या कहलाते थे? बोलो।
21। प्रियंका कह रहे सर आपकी स्टोरी पढ़ रहे थे। 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। 22 देखो जरा। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना में हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने किस संस्कृत के विद्वान की सहायता ली थी? तो किसकी सहायता ली थी? माधव विद्यारण्य की। 23 देखो। तेईस का आंसर क्या हो जाएगा? तेईस का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगला देखो 24। पृथ्वी चंद्रमा की पृथ्वी से निकटतम स्थिति क्या कहलाती है? चौबीस। चौबीस का क्या हो जाएगा? एपोजी कहलाती है ना? दिख नहीं रहा है। 25 देखो। तेईस का मैंने आपको क्या बताया था? 23 का सी बताया है क्या? क्यों भाई? 23 का बी होगा, सी नहीं होगा, है ना? बी होगा, सी तो नहीं बताया है। कई लोग सी भी लिख रहे हैं। सी बताया था क्या? रुको जरा। अच्छा सी बोले थे। कौन से वाले में दिक्कत है? ये 24 वाले में। कोई बात नहीं, बी आंसर होगा उसका। चौबीस में देखो, अगर निकटतम की स्थिति है। अच्छा, निकटतम की बात पूछी गई थी। तो निकटतम अगर निकट है तो मैंने आपको इसकी एक ट्रिक बताई थी, यानी कि निकट है तो क्या होगा? पास होगा, है ना? और अगर दूर है तो दूर से बुलाने के लिए हम लोग दूर का बुलाएंगे ए करके, है ना? तो अगर निकट, निकट का मतलब पास, पास में आपका पैरोजी होगा, पास से पैरोजी। ओके, 26 देखो। पास से पैरोजी, ये हमने आपको एक ट्रिक भी बताई हुई थी। पृथ्वी का सबसे निकटस्थ उपग्रह। 25 नहीं करवाया, देख लो भाई। 25 इसमें ए होगा, ए। 25 का क्या होगा? पहले 25 कर लो, फिर 26 बाद में करना। 26 का तो डी है। 25, 25 का क्या हो जाएगा? चंद्र ग्रहण की जो घटना होती है वो आपकी कब होती है? पूर्णिमा को होती है। कब होती है भैया? पूर्णिमा को होती है। 27 देखो। सत्ताईस का क्या हो जाएगा? ऑप्शन 27 का कई लोगों ने ए किया है, कई लोगों ने बी किया है, कई लोगों ने सी किया है।
27 का हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। अगला देखो 28, बलन के किस प्रकार में चट्टानों का क्रम ही उलट जाता है। 28, 28 का हो जाएगा आपका ऑप्शन बी अधिक्षिप्त बलन। सूत कातना जो है ये किस प्रकार के उद्योग में सम्मिलित होता है। तो ये आता है आपका कुटीर उद्योग के अंतर्गत। चोल काल निर्मित सर्वोत्कृष्ट प्रतिमा किसकी है, तो किसकी है, नटराज की। किसकी है, नटराज की। अगला देखो 31, वह सुल्तान जिसने कारखानों को इकता नाम दिया। गुड इवनिंग। 31, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इल्तुतमिस। अढ़ाई दिन का झोपड़ा कई बार प्रश्न आ चुका है अभी अभी आपके इसमें, तो कहाँ स्थित है ये भी प्रश्न पूछा जाता है, तो ये आपका अजमेर में है। कहाँ है भैया, अजमेर में है। अगला देखो, हिजरी संबत चलाया गया। 33 का राइट आंसर हो जाएगा अकबर के द्वारा। किसके द्वारा, अकबर के द्वारा। अगला देखो, खानवा युद्ध के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र कौन सा है। 34 का राइट आंसर हो जाएगा फतेहपुर सीकरी में। कहाँ है, फतेहपुर सीकरी में। अगला देखो, मराठों की स्वतंत्रता के युद्ध का जो नेतृत्व है वो किसने किया, दुर्गादास ने किया, अहिल्याबाई ने किया। देखो ऐसे प्रश्न हैं आपको सपनों में भी याद रहेंगे, किसने किया, ताराबाई ने। लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन को मनोनीत करने की जो संख्या है वर्तमान में तो शून्य है, लेकिन इस प्रश्न के अकॉर्डिंग यानी कि अगर अब आएगा और अगर ऑप्शन में शून्य नहीं रहेगा तो उस स्थिति में आपको क्या आंसर टिक करना है, ऑप्शन ए टिक करना है। क्या करना है, दो सदस्य, कितने, दो माननीय सदस्य। अगला देखो 37, सर्वोच्च न्यायालय को अपने फैसले को क्या करने का अधिकार है। मच्छरों की भी आवाज आ रही है आपके पास, आपके कान बहुत तेज हैं। रुको, एक आध दो का बद कर देंगे। हम क्या करते हैं, जैसे मच्छरदानी लगा के सोते हैं, मिनट का टाइम देते हैं कि प्रिय मच्छर आप हमारी मच्छरदानी से बाहर चले जाओ। तो क्या करते हैं, थोड़ा सा कपड़ा अंदर से लेते हैं कि भाग जाओ भाग जाओ, तो भाग जाते हैं। अब जो रह जाते हैं तो उनका फिर हम बाद में वध करते हैं। तो 37 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि अगर हम उनका वध नहीं करेंगे तो वो हमको मरणासन अवस्था में कर देंगे, है ना। कहा गया है कि अपनी आत्मरक्षा के लिए, कैसा आप मच्छरदानी में सोते हैं, हम तो ऐसे सो जाते हैं। आत्मरक्षा के लिए अगर किसी को वध भी करना पड़े तो कोई बुराई नहीं है। 38 देखो जरा, 38 में क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। 39 देखो, वह बजट जिसमें आय और व्यय बराबर होता है। क्या हो जाएगा 39, 39 का हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 40 देखो, दामोदर घाटी योजना से संबंधित है। चालीस, 40 हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। देखो, 6 महीनों की रात और 6 महीनों का दिन। 41, इकतालीस का, इकतालीस का हो जाएगा उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पर। कई कई जगह आपको ये बी भी मिलता है, लेकिन इसका जो एग्जैक्ट आंसर है अगर आप इसको एससीईआरटी की बुक में देखोगे जाके तो इसका आंसर जो आपको सी ही मिलेगा। अगर जिन्होंने भी ए पढ़ रखा है या बी पढ़ रखा है तो उनको आप भूल जाओ, राइट आंसर इसका याद रखो क्या होगा, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव वृत्त पर, ठीक है ना। एसईआरटी की जो किताब है उसमें आपको यही आंसर मिलेगा।
अगला देखो 42, 42 का क्या हो जाएगा, 42 का हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। मूंगफली के लिए, यानी कि मूंगफली के लिए जो खेती के लिए अधिक उपयुक्त मिट्टी है वो कौन सी है? मूंगफली कोई खाएगा क्या? मूंगफली में दाना नहीं। हाँ हिंदी में भी आती हैं। 43 का राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन। अगला देखो 44, सर्वाधिक लवणता वाला सागर कौन सा है? अपनी किताब में एक भैया, अपनी सॉरी अपनी क्लास में एक भैया आते हैं, वो किताबों का ही काम करते हैं, हमने उनसे बहुत सारी किताबें मंगवाई हैं। 44 का आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी। 45 देखो जरा, महमूद गजनबी के भारत पर आक्रमण के समय भारत में अलबरूनी ने किस ग्रंथ की रचना की थी? 45 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो एनसीईआरटी की चलती है, उसमें उसके आगे लिखा रहता ना कवर पे। बोलो 45, 45 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। अब देखो इसका भी आंसर कई जगह आपको बी मिलता है, लेकिन बी नहीं है, आंसर इसका क्या है? डी है। अगर सीरीज में आप देखोगे तो इसका आंसर आपको बी मिलेगा, राधा सिंह, है ना। अगला देखो 46, दिल्ली सल्तनत के किस वंश में सर्वाधिक शासक हुए हैं? छियालीस, 46 का क्या हो जाएगा? तथा कथित दास वंश में। प्रयाग प्रशस्ति किससे संबंधित है? लाइक तक कर दो भैया, 136 लोग देख रहे हैं, 40 लाइक हैं, ऐसे कैसे काम चलेगा? एक हाथ लो एक हाथ दो। 47 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला देखो, तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? अगर लाइक नहीं करोगे 131 लाइक, तो आज 85 क्वेश्चन करवाएंगे, 100 नहीं करवाएंगे फिर। तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तो कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। 49 देखो जरा, हाँ वो फिरदौसी की है। 49, 49 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? विजयनगर। क्या हो जाएगा? विजयनगर। और आज का अंतिम प्रश्न है, चीनी यात्री वेन सांग किस उद्देश्य से भारत आया हुआ था? बोलो, बौद्ध धर्म ग्रंथों की प्रतियां प्राप्त करने के लिए, नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने के लिए, भारतीयों के जीवन का अध्ययन करने के लिए, या फिर भारत में चीनी राजदूत का कार्य करने के लिए? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? भ्रमण करने के उद्देश्य से आया था कि भारत में क्या चल रहा है ना। अब लाइक तो हुए नहीं भैया, तो क्या करें। अगला देखो 51, भारत के दक्षिण पठार अधिकांश बने हैं, किससे बने हैं? 51, फिफ्टी वन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये बने हैं आपके आग्नेय शैलों से। विश्व की सात आश्चर्यजनक इमारतों में क्या शामिल है? पचास का आपका ऑप्शन ए बताए हैं, बाकी सब ठीक नहीं है। 52 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, ताजमहल। अगला देखो 53, तब तक आप 53, 54, 55 करो, तब तक उतनी देर में हम दवा खा लें, नहीं तो पानी हमारा ठंडा हो जाएगा, फिर दवाई का कोई मजा नहीं आएगा। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, पूछी चले आना।
कितनी कड़वी है। अच्छा देखो 53 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक, अब आपके यहां बहुत मच्छर हैं, सब पालतू है ना। 54 का देखो जरा, 54 का आंसर क्या हो जाएगा, 54 का हो जाएगा आपका बी, और 55 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, है ना। आगे देखो 56, पालतू है भाई, उनकी तो कहीं खेती नहीं है, वो तो हम लोगों पे ही डिपेंड है। भाई उनकी कहीं खेती तो है नहीं, तो क्या खाएंगे बेचारे। 56 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, है ना। 57 देखो जरा, अधोलिखित में कौन गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा है। देखो सब पालतू हैं, अब कोई कहेगा कि सर कुत्तों का आवाज आ रही है ना, किसी मच्छर की आवाज आ रही। 57 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। 58 देखो जरा, तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। उसका कोई ट्रिक नहीं है, उसको याद ही करना पड़ेगा। अठावन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। सर मेरा तो बता दो। चलो भाई 51 का क्या है क्वेश्चन, आप क्वेश्चन तो नहीं पता है लेकिन इनकी ट्रिक हम बताने की कोशिश करेंगे। देखो भारत के दक्षिण पठार अधिकांश बने हैं, तो इसको कैसे याद रखोगे, दक्षिण पठार को याद रखोगे डी से, डी का मतलब दक्षिण, है ना। और अधिकांश बने हैं का मतलब निर्मित होते हैं, तो याद रखोगे आप डी एन का मतलब है निर्मित होते हैं, और आग्नेय को याद रखोगे ए, तो क्या याद रखोगे डी एन ए। भारत के दक्षिण पठार अधिकांश किससे बने हैं, तो याद रखना है डी एन ए, डी का मतलब है दक्षिण, एन का मतलब है निर्मित है, ए का मतलब है आग्नेय शैलों से, तो किससे निर्मित हैं कहो गुरुजी, डीएनए से निर्मित हैं। किससे निर्मित हैं, डीएनए से, डीएनए से आपको याद रखना है, डी से दक्षिण, एन से आपका निर्मित हैं, ए से आग्नेय शैलों से, ठीक है। याद रखोगे सुमी, ट्रिक रेडीमेड है, तुरंत के तुरंत बनाई गई है। कौन सी ट्रिक है, रेडीमेड ट्रिक है, ठीक है, याद हो जाएगा, बहुत बढ़िया। अगला देखो, जैन मंदिर स्थित है, अभी यही कहता ट्रिक के जादूगर, नहीं रवि नहीं, गौतम पटेल। बोलो 59 का क्या हो जाएगा, 59 का हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। अरे नहीं प्रियंका सिंह, कुछ भी माइंडेड नहीं है, है ना। बोलो 60, पता जैसे मान लीजिए ऑब्जेक्टिव वाले जो क्वेश्चंस हमें याद नहीं होते हैं, यकीन मानो कि जब हम ये डीएलएड के जब ये एग्जाम दे रहे थे ना, तो उस समय क्या होता था कि पूरी क्लास में ऑब्जेक्टिव के लिए हम ये मतलब ठेका ले लेते थे कि ऑब्जेक्टिव कोई नहीं करेगा, ऑब्जेक्टिव हम बताएंगे। 15 में से बहुत बार तो 15 में से 15 या 14 तो ऑन एन एवरेज तो सही होते ही थे। 60 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला देखो, क्योंकि हम इनको ट्रिक से जोड़ लेते थे।
61 देखो जरा, 61 का क्या होगा? गीत गोविंद, तो 61 का हो जाएगा आपका ऑप्शन ए जयदेव। क्वेश्चन टू, कृष्ण देव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? बासठ का राइट आंसर क्या होगा? 62 का हो जाएगा 8 तेलुगु कवि। 63 देखो जरा, मानसूनी पवन क्या कहलाती है? 63 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मौसमी पवन। 64, बोलो कमेंट तो दिख ही नहीं रहे हैं आप लोगों के। 64 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। रवि का ए है, शिवानी का सी है, पंछी का ए है। सी होगा राइट आंसर। कह रहे 64 का ए होगा, ए नहीं बेटा सी होगा। अगला देखो 65, अजय यादव डी, बहुत सुंदर। 65 का क्या हो जाएगा? 65 का हो जाएगा सी। 64 वाले को अभी लास्ट में देखेंगे, है ना। 66 देखो जरा, अर्थव्यवस्था में पूंजी का बाजार कौन बनाता है? जिन लोगों को डाउट है तो लास्ट में इसको क्रॉस चेक कर लेंगे, ठीक। याद रखना, बाद में याद दिलाना पंछी। सिक्सटी सिक्स, 66 का क्या हो जाएगा? अर्थव्यवस्था में पूंजी का बाजार कौन बनाता है? उपभोक्ता नहीं बनाता है, स्टॉक एक्सचेंज नहीं बनाता है, बैंक नहीं, क्या बनाता है? शेयर। क्या बनाता है? शेयर, पूंजी का बाजार। अगला देखो, मूल्यमापक का कार्य मुद्रा, मूल्यमापक का कार्य मुद्रा का सहायक है, अन्य कार्य है, प्रमुख कार्य है या फिर आकस्मिक कार्य है? 67, तो क्या है? मूल्य मापक का मुद्रा का कार्य का प्रमुख कार्य है। क्या है? प्रमुख कार्य। अगला देखो, दशावतार मंदिर है। सुमें आप सबका ट्रिक मत याद रखो, सबका ट्रिक याद रखोगे तो फिर किसी का भी आंसर भी याद नहीं कर पाओगे। बोलो 68, 68 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 69। पृथ्वी के क्रोड को, पृथ्वी के केंद्र को क्या कहा जाता है? तो क्या कहते हैं? क्रोड। अगला देखो 70, बोलो क्वेश्चन नंबर अगला 70। 70 का क्या हो जाए? देखो बात पूछी गई ऑक्सीजन की, तो क्या होगा? सी। हमारे मूल संविधान में कुल अनुसूचियां, मूल संविधान में कुल अनुसूचियों की बात की गई है। 71। अगला
अगर मूल की बात पूछी जाएगी तो कितनी है, आठ है ना, क्या होगा ऑप्शन ए होगा है ना। और यदि वर्तमान की बात पूछी जाएगी तो फिर क्या होगा, बारह, ठीक है। देखो 72, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, बोलो 72, 72 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डॉक्टर बी आर अंबेडकर। अजंता में गुफाओं की संख्या, ये सरल है, 30। 31 देखो, बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक कहाँ का वायसराय था, ये भी प्रश्न आपका डाउट वाला रहता है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये मैंने आपको बताया है 74। बोलो बेटा रवि, क्वेश्चन नंबर के साथ आंसर ए बी सी डी में लिखो। हमने आपको क्या बताया है, उज्जैन, क्या बताया बेटा, उज्जैन होगा, तक्षशिला नहीं होगा। 75 देखो, एसएसटी में बहुत सारे क्वेश्चंस उसमें गलत भी दिए हैं सीरीज में, है ना। बोलो 75 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी कुमार गुप्त। हाँ पूछिएगा, जैसे ये 100 क्वेश्चंस हो जाए ना फिर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले भारत कौन आया, 100 प्रश्न के बाद आपका जो क्वेश्चन नंबर होगा वो सारे हम लोग क्रॉस चेक करेंगे, है ना। 76 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। हर्षचरित के रचयिता, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है, तो क्या हो जाएगा, बाणभट्ट। पाल वंश की स्थापना, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, गोपाल ने। अगला देखो, चालुक्य वंश के सबसे प्रतापी राजा, 79, बहुत अच्छा प्रश्न है, तो आप याद रखना पुलकेशिन द्वितीय। संविधान निर्मात्री सभा की यदि बात पूछी जाए तो याद रखना संविधान निर्मात्री सभा वाला ट्रिक बता दें क्या आपको, क्यों, संविधान निर्मात्री सभा, देखो निर्मात्री सभा यदि आपसे पूछा जाए तो आपको याद रखना है राजेंद्र प्रसाद। कभी आप भीमराव अंबेडकर में कंफ्यूज होते हैं और कभी आप कंफ्यूज होते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद में, बाकी और में आपको कंफ्यूजन नहीं होती है, याद है तो फिर कोई दिक्कत नहीं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ो। 81 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 81 में भी बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, राइट आंसर आपका होगा केवल वर्षा का जल, क्या होगा, ऑप्शन डी आपका नहीं होगा। अगला देखो 82 में, मकर संक्रांति के समय सूर्य सीधा चमकता है, किस पे चमकता है, तो किस पे चमकता है, मकर रेखा पर, बहुत बढ़िया नीलम पता है। तो 83 का देखो जरा, भारत का मानक समय निर्धारित किया गया, अच्छा एक बार बताओ भारत के समय में और पाकिस्तान के समय में कितने टाइम का अंतर है, क्या पाकिस्तान का पीछे है, क्या भारत का पाकिस्तान से पीछे है, या पाकिस्तान का भारत से पीछे, और कितने समय का अंतर है। बोलो अगर यहां 4 बजे हैं तो वहां कितने बजे रहे होंगे, 83 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। 84 देखो, मिशन कह रहे हैं पाकिस्तान हमेशा पीछे ही होगा, करे पाकिस्तान एक दिन पीछे है। बोलो 84 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 84 का हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला देखो 85, ये तत्व नीति निदेशक न्यायालयों के लिए उपयोगी प्रकाश स्तंभ है, यह कथन था। बोलो क्या होगा, 85 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। 86 देखो जरा, शेक्सपियर किस देश के निवासी थे, आप सबको पता है इंग्लैंड के थे। गयासुद्दीन बलबन दिल्ली का शासक कब बना था, 87, तो ये बना था आपका 1266 में, कब बना था, 1266 में। अगला देखो,
दिल्ली में लोधी वंश की स्थापना किसने की थी? बहलोल लोधी ने। अगला देखो, तालीकोट का युद्ध हुआ 89, तो कब हुआ? 1565 में। 90 देखो जरा, विजयनगर साम्राज्य की शासन व्यवस्था को कितने प्रांतों में बांटा गया था? क्वेश्चन नंबर 90, 90 का हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, 6 प्रांतों में। पृथ्वी का आकार कैसा है? लल्ला क्वेश्चन है आपका, ऑप्शन ए गोल है। भारत में ग्रीष्मकालीन वर्षा का मुख्य कारण क्या है? 92, तो क्या होता है? मानसूनी हवाएं। याद है सब। संविधान लागू किया गया, कोई इस प्रश्न में दम ही नहीं है, 1950 में। सेल्यूकस तथा चंद्रगुप्त मौर्य के बीच युद्ध हुआ था, तो कब हुआ था? 305 में। बहुत सुंदर। मौर्य साम्राज्य का अंतिम सम्राट कौन था? 95 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। गुप्त वंश का प्रारंभ वर्ष जो है वो कब से माना जाता है? 96 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। पाल वंश की स्थापना किसने की थी? 97 का राइट आंसर हो जाएगा गोपाल। ये आपका रिपीटेड प्रश्न है, एक बार आ भी चुका है। सम्राट अशोक के पिता कौन थे? 98, तो कौन थे? बिंदुसार। इंडिया पीछे है, ऐसा नहीं हो सकता। वाघ की गुफाएं 99, क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। मुद्रा राक्षस नाटक के लेखक कौन थे? क्वेश्चन नंबर 100, कौन हो जाएंगे? विशाख दत्त। कौन से हो जाएंगे? विशाख दत्त। गुप्त काल की भाषा 101, तो क्या है? संस्कृत। कौन सी है? संस्कृत। अगला देखो, सल्तनत काल में सैनिकों को नगद वेतन देने की प्रणाली अपनाई, किसने अपनाई? 102, तो अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने अपनाई? अलाउद्दीन खिलजी ने। 103 देखो जरा, पृथ्वीराज राजू के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति, 103, तो प्राचीन क्षत्रियों से। अगला देखो, 104, सूफी संत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ स्थित है? एक मिनट जरा रुको, कोई क्वेश्चन गलत हुआ क्या? पृथ्वीराज रासों के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से। छुट्टी कर दें, कौन सा क्वेश्चन था? हाँ, 104, 104 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? दिल्ली में। अगला देखो जरा, 105, पल्लवों का प्रसिद्ध बंदरगाह, 105। एक दिन हमने आपको बंदरगाह और इसकी राजधानी के विषय में आपको बताया था, तो बोलो जरा प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सा? 105, 105 का क्या हो जाएगा? महाबलीपुरम। अगर राजधानी की बात करेंगे तो क्या होगा? ऑप्शन ए कांची। ठीक है, ये आपका सीरीज में क्वेश्चन गलत दिया है। 106 देखो जरा, सराय काले खां बस अड्डा के पीछे। सल्तनत काल में प्रांत को कहते थे, क्या कहते थे? लल्ला क्वेश्चन का मतलब होता है बिल्कुल छुटकू सा। 106 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 107 देखो जरा, 107 का हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला देखो, 108, संगमरमर क्या हो जाएगा? 108 रहने दें, एक सौ आठ का क्या हो जाएगा? संगमरमर, ऑप्शन ए। संगमरमर परतदार शैल का उदाहरण है। अगला देखो, 110, 109, 109 का क्या हो जाएगा? 109 का हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, महाद्वीप, सबसे बड़ा महासागर। 110, 110 का क्या हो जाएगा? हिंद महासागर। अगला देखो, 111 है, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों को किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है? 111 है, तो कहां से? आयरलैंड से। अगला देखो, 112 है,
निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों में सह अस्तित्व पाया जाता है? 112 है, राइट आंसर हो जाएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था में। आज के लिए बस इतना ही करें, क्यों बोलो? आज के लिए बस करें, प्रशांत महासागर होगा। हाँ, सबसे बड़ा और सबसे गहरा। दुनिया का अगर सबसे छोटा पूछा जाए तो बोलो, सबसे छोटा 1% रह गया है ना। हाँ, सबसे बड़ा प्रशांत, सबसे छोटा अगर पूछा जाए तो सबसे छोटा। आर्कटिक, ठीक है। रुकना, प्रश्न में क्या पूछा गया था? देखो, अगर प्रश्न में पूछा जाएगा कि भारत का, तो भारत का आप लोग फिर हिंद महासागर ही लगाओगे, है ना? तो हो सकता है क्वेश्चन आपका इसके अकॉर्डिंग पूछा गया हो। हाँ ठीक है, पांच हैं कुल मिला के, पांचों की संख्या। क्वेश्चन नंबर कौन सा? अभी रुक जाओ 1 मिनट, पांचों की संख्या लिख दें आपको। पहले तो आपका प्रशांत, फिर अटलांटिक, फिर हिंद, फिर दक्षिणी महासागर और आर्कटिक, है ना? प्रशांत महासागर जो है वो सबसे बड़ा है, पृथ्वी के 1/3 हिस्से में फैला हुआ है ना? कह रहे सर सो जाने दो, आप मत करवाइए। और करने हैं क्या? क्यों, किसी को और करनी है क्या?